लगातार आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में चुनाव का माहौल चल रहा है और सभी पार्टियों में उठक पटक मची हुई है और चुनाव को लेकर हम बात करेंगे कि उस युवा साथी हैं चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे सर? भाई साहब, पहले नंबर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी विधानसभा में आए। जी जी भाई साहब, सुशील भैया को जब से टिकट मिला है बाबागंज में, चारों तरफ का सबका, बहुजन समाज का, सवर्ण समाज का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का, पूरी तरीके से बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। सुशील भैया के आने से क्षेत्र में इतनी खुशी हो गई है, लोग जैसा प्रत्याशी चाहते थे, मतलब लोगों के मन के हिसाब से प्रत्याशी यहाँ पर मिला है। सुशील भाई किस पार्टी से? सुशील भाई बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाना चाहते? जी बिल्कुल, बहुजन समाज की सरकार बनेगी, चार बार बन चुकी है, पांचवीं बार हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जाएगी और लोगों में विश्वास है कि बाबागंज की जो धरती है, बाबागंज के जो लोग हैं, वो सुशील भाइयों को छोड़कर किसी अन्य को वोट नहीं देंगे। पूरी तरीके से मन बना चुका, लोग खुशी खुशी वोट देना चाहते हैं। अच्छा, जो वर्तमान में सरकार चली उस पर आप क्या कहेंगे? उसके कार्यकाल से आप खुश हैं? जी मैं तो उससे यही कहूँगा कि ना हमें 15 लाख रुपया मिला, 15 लाख रुपया में हम लोगों ने वोट दे दिया, बेच दिया फालतू में, ना तो 2 करोड़ रोजगार मिला हमको और ना ही सिलेंडर का दाम नीचे आया। तो हमारा मुद्दा भी यही होगा, क्योंकि मैं पिछली सरकार में भुगत चुका हूँ, जहाँ 400 रुपये एक सिलेंडर था, मैं 1000 का दे रहा हूँ, जहां हमको 2 करोड़ रोजगार मिलना था, 2 करोड़ रोजगार छीना गया हमको। मोदी और योगी की सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है और हमारे लोगों को हर तरह से शोषण हुआ है, चाहे बहन बेटियों का मामला हो, माताओं का मामला हो या किसी अल्पसंख्यक का मामला हो, जिस तरीके से शोषण हुआ है, ये बाबागंज ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश इसको देख रहा है। और मैं वादे के साथ कहता हूँ भाई साहब, जो वर्तमान में सरकार लॉकडाउन में कोरोना की वजह से जो प्रमोट हुए परीक्षार्थी जो पास हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार गलत की या प्रमोट करके या गलत की? देखिए सर, प्रमोट में जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अगर जिससे प्रमोट किया गया है, अगर उनको प्रमोट करना था तो उनको रोक देना था परीक्षा को। रोकने के बाद जब ये थोड़ा सा सामान्य स्थिति, जैसे सामान्य स्थिति बाद में आया, कई चीज़ को खोला गया, उसमें आप ये परीक्षा करवा सकते थे। इससे क्या होगा कि जो बच्चे कमज़ोर होंगे या जो पास करने लायक नहीं रहे होंगे, वो भी प्रमोट हो गए। क्या नाम है आपका? रवि राव मेरा नाम है। कौन सा गाँव है ये? चसजन का पुरवा है। तो माता जी, आप चुनाव को लेकर क्या कहें, किसकी सरकार देखना चाहती हैं आप? मायावती की सरकार, योगी की जो सरकार चल रही है, अभी तेल और राशन फ्री दिया जा रहा है, इससे आप खुश नहीं? नहीं, खुश नहीं है।